नीतिवचन अध्याय 13 नीतिवचन अध्याय 13 बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। आलसी जन प्राण से लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आशा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वासयोग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, और धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेतीबाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं।